स्वागत है आपका अनुपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं खास खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछले वर्ग के लोग नहीं है। मोदी ने इन कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हिंदुस्तान के 25-30 अमीर लोगों को इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, चुनाव जीतने के बाद हम गरीब पिछड़े आदिवासियों को दलितों को देंगे। लोग कहते हैं कि हम इसमें आदत बिगड़ेगी, लेकिन कोई यह बताया गया कि मोदी अमीरों के पैसे माफ़ करते हैं जो उनकी आदत नहीं है, बिगड़ती क्या? मेरे दिमाग में 16 लाख रुपए का नंबर है जिसमें देखकर चल रहा हूँ। वहीं राहुल गांधी की इस सभा को लेकर लोकसभा चुनाव में राजस्थान में होने वाली सभा थी, जिसमें जोधपुर लोकसभा सीट पर फलोदी में भी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में यह पहली सभा थी जो जोधपुर लोकसभा सीट पर फलोदी में भी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आएगी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन में मूल्य और कानून लागू करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी कर्जा माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस फिर से किसानों का कर्जा माफ करने में दिखाएगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सेना गारंटी देती थी कि यदि आप शहीद हुए तो परिवार के मुआवजा मिलेगा, यदि कैंटीन मिलेगी तो पेंशन मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर संगीर लाख भरोसा तोड़ा। यह आर्मी ने कहा है कि हमें अग्निवीर चाहिए। यह पीएम वह ऑफिस में लागू किया जिसमें ही सरकार की आएगी अग्निवीर योजना रद्द हो देगी जिसमें जैसी सुविधाएं देगी। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार को एक महीने को हमारी सरकार साल 1 लाख रुपये बैंक अकाउंट में डालेगी। हर महीने में वही 8500 रुपये सरकार उस दिन देगी जब तक इस गरीब रेखा में बाहर न आए जाए। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे हो तो उस बैंक अकाउंट में हर महीने 8500 रुपये आते रहेंगे। वहीं एक झटके में हिंदुस्तान में हम गरीबों को मिटा देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद जातिगत जनगणना वे करेंगे और पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन कितने और कितने लोगों के हाथ में है। हर संस्था किसानों का कहीं भी आत्मसमर्पण नहीं करते, मजदूरों